हे गाइस, आज के इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ एक वॉशिंग मशीन की जो है ओनिडा कंपनी की। इस वॉशिंग मशीन की अनबॉक्सिंग मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये काफी सस्ती है। ये मशीन मुझे मिली है सिर्फ 3,700 रुपीज में। यहाँ पर आप इसका एमआरपी देख सकते हैं, 5,400 रुपीज इसका एमआरपी है, लेकिन अगर आप इसको अमेजोन से परचेज करेंगे तो ये आपको मिलेगी सिर्फ 5,000 रुपीज में। और अगर आपके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो फिर ये मशीन आपको मिलेगी सिर्फ 4,000 रुपीज में। यहाँ पर देखिए इसका मॉडल नेम और मॉडल कोड दिया गया है। इसकी जो कैपेसिटी है 6.5 केजी है। ये मैंने रेड कलर में मंगाई है। यहाँ पर इसकी और भी डिटेल्स दी गई है। इस मशीन की एक अच्छी बात यह है कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो दिल्ली NCR में होम सर्विस अवेलेबल है। यानी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो कंपनी की तरफ से एक पर्सन आएगा जो आपके घर पर ही इसको सही करके जाएगा। तो चलिए अब हम बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। ये एक सिंगल मशीन है, यानी इसमें आप सिर्फ कपड़े धो सकते हैं, सुखाने का इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। इसका जो वेट है 14 केजी है। ये बेचलर्स और छोटी फैमिली के लिए काफी बढ़िया मशीन है। यहाँ पर आप इसका लुक देख सकते हैं, ये ट्रांसपेरेंट है। साथ ही इसमें यहाँ पर एक पाइप दिया गया है जिससे आप इसमें पानी भर सकते हैं और एक मैनुअल गाइड दी गई है। अमेजोन पर इस मशीन को अच्छी रेटिंग दी गई है। जितने यूजर्स ने भी इसको खरीदा है उन्होंने अच्छी रेटिंग दी है, इसलिए मैंने भी इसको खरीदा है। मशीन काफी मजबूत है। चलिए मैं आपको इसको चला करके दिखाता हूँ। इस मशीन में आप एक बार में 6.5 किलो कपड़े धो सकते हैं। इसकी कैपेसिटी 6.5 केजी की ही है। इसमें यहाँ पर मैंने एक बकेट पानी डाला है जो कि लगभग 20 लीटर्स है। यहाँ पर इसमें दो रेगुलेटर्स दिए गए हैं, ये साइकिल सेलेक्टर है और ये वॉच टाइमर है। इसमें आप 15 मिनट का टाइम एक बार में सेट कर सकते हैं। अलार्म साइन यहाँ पर दिया गया है, जब आपका वॉश टाइमर पूरा हो जाता है तो ये अलार्म बजने लगता है। यहाँ पर एक वाटर इनलेट दिया गया है, आप पाइप से भी इसमें पानी भर सकते हैं। चलिए हम इसको चालू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, बेचलर्स और स्मॉल फैमिली के लिए ये एक बढ़िया मशीन है। अगर आपको कपड़े सुखाने नहीं है मशीन में तब आप ये सिंगल मशीन ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको कपड़े भी सुखाने हैं तब ये मशीन आपके लिए नहीं है, फिर आपको डबल मशीन लेनी चाहिए। मशीन में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो दिल्ली NCR में सर्विस दी गई है इसकी, घर पर आकर के सही करके जाएगा। और अगर आप दिल्ली NCR के कहीं बाहर रहते हैं तो वहां पर आपको इसके सर्विस सेंटर पर ले करके जाना पड़ेगा। सो गाइज, ये थी इस मशीन की एक छोटी सी अनबॉक्सिंग और एक छोटा सा रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, और अगर आपने पहले से इस मशीन को लिया हुआ है तो आपका इसके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।